नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन और ये झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो हम इन्हें झटपट से बना सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना सूजी के गुलाब जामुन। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी सूजी। इसे हम बारीक कर लेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 चम्मच देसी घी। इसे मेल्ट होने देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने 1 गिलास लिया है। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उसी कटोरी से नाप के मैंने 2 कटोरी दूध के ऐड कर दिए हैं। 1 कटोरी सूजी के लिए मैंने 2 कटोरी दूध लिया है। अब इसे उबाल लेंगे। उबाल आ गया है। अब इसमें धीरे धीरे सूजी ऐड करते रहेंगे ताकि ये जो सूजी है दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। चलाते रहेंगे लगातार। अच्छे से मिलाते रहेंगे। सूजी ने जो है दूध को सोख लिया है। देखिए बनके तैयार है बैटर गुलाब जामुन के लिए। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे अब इसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। उतनी देर में हम चाशनी बनाएंगे। उसी कटोरी से मैंने जो है 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया जिससे हमने सूजी ली थी, तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने चीनी ऐड कर दी है। अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 इलायची। इलायची से जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गुलाब जामुन में। चाशनी को हमने ज़्यादा नहीं गाढ़ी करना है, मतलब इसकी जो है तार नहीं बनानी है। बस इसे मिलाना है, थोड़ी देर कड़ने देना है और हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हम ये सूजी को जो है आटे की तरह गूंथ लेंगे थोड़ा सा। ये जो सूजी है हमारी इसे हम ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, ये थोड़ी सी हल्की सी गर्म रहनी चाहिए। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे 2 चम्मच। इससे जो है गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। गुलाब जामुन को हम गोलाकार में बनाएंगे और हाथों से दबाते हुए इसे गोल करते जाएंगे। और ये साइडों से जो है फटे ना, नहीं तो फिर गुलाब जामुन अच्छे से नहीं बनेंगे। इनमें बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, साइड किनारों में फटने नहीं चाहिए। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। देखिए गोल आकार में, बिल्कुल गोल बना रहे हैं। गुलाब जामुन बनके तैयार है। अब इन्हें करेंगे हम फ्राई। तेल हमारा गर्म हो गया है और एक एक करके सभी गुलाब जामुनों को फ्राई करेंगे। सारे गुलाब जामुनों को ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे चम्मच की सहायता से इन्हें पलटेंगे
कलर चेंज हो गया गुलाब जामुन का। मीडियम फ्लेम में पका रहे हम इन गुलाब जामुन को। गुलाब जामुन बनके तैयार है और अब ये चाशनी है इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर इसमें गुलाब जामुन ऐड करेंगे एक एक करके। गुलाब जामुन का हम 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी में रखेंगे ताकि ये जो है अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले चाशनी को। तो गुलाब जामुन बनके तैयार है, अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, सूजी के गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा।